नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें तान की प्रैक्टिस कैसे करनी है अकार में। अकार में तान बोले तो जो तान है वो सरगम तान भी होती है, वो बोल तान भी होती है, वो तबले के बोलों को लेके भी तान बनाई जाती है। लेकिन अभी हमें अकार में जो तान गानी है वो किस तरह से गानी चाहिए, बड़ा ही सीधा और सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी पहली सरगम को लेना है, सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, ये वाली सरगम को हमें लेना है। अब हमें क्या करना है, जो इसका हर नोट है, हर सुर है जो हमारा सा रे गा, उनको हमें डबल कर देना है। जैसे सा सा रे रे गा गा, ऐसे हमें इनको डबल करना है, लिख लेना है साथ में, डबल करके हमें इसको आरो अवरो पूरा बनाना है इसका। उसके बाद हम अब इसको गाना शुरू करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो हम गाएंगे सा सा रे रे, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट नोट को तो सा गा रहे हैं, सेकंड को हम आ बोलेंगे, सा आ रे ए गा आ, मतलब जो भी मात्रा जिसके पीछे, जैसे रे के पीछे ए था तो वहां पे ए आ जाएगा, ठीक है ना, नी के पीछे ई आ जाएगा, तो इस तरह से हम इसको गाएंगे सा आ रे गा आ मा आ, इसको आप पूरा गाइए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमने इस सा को और इस आ को जोड़ देना है। अभी अलग अलग थे ना सा आ, अभी हमें इसको जोड़ देना है, और जब हम जोड़ देते हैं तो उनके बीच में वो जो जॉइंट बनता है उसमें कोई कट नहीं है, तो हम उसको कैसे गाएंगे, सा रे गा, ये बीच में जो झटका सा आ रहा है ना, ये हम नेक्स्ट नोट पे जंप कर रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह से ऐसे ही वापस आएंगे, सा नी धा पा मा गा रे सा, इस चीज की प्रैक्टिस करनी है हमें। ये हमारा एक मेन पॉइंट आ गया जिस चीज की हमें प्रैक्टिस करनी है। अब इसकी धीरे धीरे धीरे, जो मैंने पहले पॉइंट बताया कि उसको डबल कर लो नोट्स को, फिर सेकंड नोट को, हर सेकंड नोट को जो है आ में कन्वर्ट करो, फिर जो थर्ड स्टेप मैंने बताया उसमें हमें जिन जो जोड़ देना है उनको, जैसे अभी मैंने गा के बताया सा रे ये, फिर इसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना शुरू करो, सा रे गा मा पा धा नी सा। जब आपको ये बिल्कुल कन्फर्म हो जाए कि हाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी फील हो रही है, आपको कंफर्ट फील हो रहा है कि मैं अब इसको गा पा रहा हूँ या गा पा रही हूँ, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट नोट को भी हमें आ में बदल देना है, जैसे था सा तो हमें उसको भी आ कर देना है, तो अब हमारे पास दो आ हो गए, आ आ आ, 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 आ। अब हम कर रहे हैं आकार की प्रैक्टिस। जब हम आकार बोलते हैं तो फिर वो आकार ही होता है, राइट। तो जैसे रे आएगा तो रे में हमें ए नहीं बोलना, उसमें हमें अब ऐसा नहीं होगा आ ए आ आ, आ नो, क्या होगा आ 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 आ, तो इस तरह से आकार की प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे अब दोनों जो नोट्स है, जितने भी हमने पेयर बनाए हमारे, हमारे दोनों ही आ हो गए। तो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे आपका आकार बहुत अच्छा तैयार होता जाएगा, इस तरह से, राइट। अभी हमने ये दो सुरों की बात की, हम इसमें थर्ड नोट भी ऐड कर देंगे, नोट बिल्कुल रिपीट हो रहा है सा 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 रे रे रे, तो अब ये क्या हो जाएगा आ आ, 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 क्योंकि वो जो एक्सरसाइज है सा आ आ रे ए ए वो आप पहले वाली में कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल कम स्पीड करके इसको आ आ, 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 आ इस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आगे बढ़ाएंगे। जब आपको वो जंप फील होगा तो आ झटका नहीं मारना है, अपने आप वो नेचुरल आएगा, वो जो जंप है ना वो ऐसे इस तरह से जाता है, वो नेचुरल आएगा, आपको अपनी तरफ से
उस पे जोर नहीं लगाना है, आपको नोट्स को समझना है कि मैं एक नोट से दूसरे नोट पे जब जा रहा हूँ तो बीच में एक कर्व है इस तरह से, तो वो आपके गले में अपने आप आना शुरू होगा। ठीक है, प्रक्रिया प्रैक्टिस ये थोड़ी सी लंबी है, इसको करने में समय लग सकता है, लेकिन अगर आपको करना है तो आपको ये सब करना होगा, आपको करना चाहिए, और जब ये आपकी तैयार हो जाएगी तो आपको इतना मजा आएगा, हर चीज को गाने में इतना मजा आएगा कि आप कहोगे कि वाह कमाल हो गया। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। पहले हमने दो स्वर बनाए, फिर हमने तीन सुरों को बनाया, फिर आप इसको चार भी कर सकते हो, सारे गामा आ ठीक है, लेकिन पूरी इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार सुर नहीं लगेगा, बहुत बार नहीं लगेगा, तो उस चीज से घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस के लिए ही बैठे हैं, सुर को लगाने के लिए ही बैठे हैं, रियाज करने के लिए ही बैठे हैं, सब चीजों को संभालने और संवारने के लिए बैठे हैं। तो ये नहीं बोलना कि मेरा तो सुर ही नहीं लग रहा, हाँ आपको पता जरूर लगना चाहिए कि सुर लग रहा है या नहीं लग रहा, अगर आपको वो पता नहीं लग रहा तो आपकी सारी प्रैक्टिस गलत हो सकती है। इसलिए कोशिश करें गुरु के सामने टीचर के सामने बैठ के एक बार प्रैक्टिस करें। ये जो वीडियोस बनाए जाते हैं, ये ट्यूटोरियल होते हैं, ये इसीलिए होते हैं कि आप हर चीज को जब आप गाएं तो आप चेक कर लें कि जो मैंने गाया है आप उसको रिकॉर्ड करके देखें, जो मैंने गाया है और जो सर ने बताया है क्या वो बिल्कुल सही आ रहा है, अगर वो सही आ रहा है तो इसका मतलब आप सही दिशा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस का सिस्टम से और सही दिशा में होना बहुत जरूरी है, तभी उसका फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसी तरह से खूबसूरती से संगीत को सीखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।